नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के अत्याचार की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, पीओके का एक वीडियो सामने आया है, जहां तक उससे पूरी दुनिया की आंखें खुल जाना चाहिए, ऐसे में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको लेकर और वहाँ पर जो दहशतगर्दी का माहौल है, वहाँ जो यातनाएं और अत्याचार लोग सहते हैं और वहाँ जो जिस तरह का जीवन लोग जीते हैं उसको लेकर तरह तरह की खबरें बातें सामने आती रही हैं। और अगर आप YouTube पर लिखें एट्रोसिटीज इन कश्मीर तो आपको कुछ और वीडियो मिलते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है, इसकी अहमियत ये है कि एक तो इसमें पहली बार इतनी बड़ी भीड़ दिखाई दी है जो लगातार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ लगा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने ये तक कहा है कि ISI के लोग आकर वहाँ जुल्म और जातियां करते हैं और लोगों को आतंकवादी बनने के लिए मजबूर करते हैं। किसी परिवार का सदस्य यदि आतंकवाद की राह पर कदम नहीं बढ़ाना चाहता तो उसके पूरे परिवार को प्रताड़ना दी जाती है। दूसरा, जिस तरीके से महिलाएं वहां आकर चीख रही हैं कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको निश्चित तौर पर पता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 60-65 सालों में लगातार जमहूरियत की राह पर चलकर लोकतंत्र को मजबूत किया है, जनता की आवाज को, आवाम को मजबूत किया है। और वैसे भी हम देखें तो कुल मिलाकर जो ये कश्मीर का मामला है इसमें उसको वो आजाद कश्मीर कहता है, जबकि वो सबसे बड़ी गुलामी वहां के लोग सह रहे हैं और वो पाकिस्तान के अधिकृत किया हुआ हिस्सा है कश्मीर का। पाकिस्तान देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इस वीडियो के बाद जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंच पर नंगा हुआ है, उसके पास कुछ जवाब देने के लिए नहीं है और इसीलिए वो इसको षड्यंत्र या साजिश बताकर अलग अलग तरह की बातें संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी नवाज शरीफ ने कही है। लेकिन वो इस वीडियो के सामने आने के बाद जो सच्चाइयां सामने आई हैं उससे बच नहीं सकता। आप देख लीजिए कि तमाम टेलीविजन चैनलों की बहस में भी पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो के बाद कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि इसके बाद आप क्या बोलेंगे जब आपके कब्जे किए हुए हिस्से में इतनी ज्यादा जुल्म है, जातियां हैं। वो लगातार भारत पर ही आरोप लगाता रहा है कि जो कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, उस कश्मीर में जुल्म जातियां होती हैं, जबकि आप देखिए कि वहां लगातार चुनाव होते हैं, उन चुनावों के माध्यम से सरकार चुनी जाती है और वहां का शासन चलता है। और जब वहां पर कुछ भी दिक्कत आती है, जैसे बाढ़ आई तो हिंदुस्तान खड़ा होता है, हिंदुस्तान के सारे लोग साथ में खड़े होते हैं कि वो हिंदुस्तान का अपना हिस्सा है। लेकिन वहां पर आप उस कश्मीर में इतनी जातियां कर रहे हैं जो कि दरअसल भारत का हिस्सा है, तो ये पाकिस्तान को करने का अधिकार भी नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान लोगों के साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार करता है, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हो। पीओके में चीन की मौजूदगी भी कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि चीन परोक्ष रूप से पाकिस्तान को मदद कर रहा है। निश्चित तौर पर ये जो समीकरण अभी बने हैं जिसमें चीन की दोस्ती लगातार पाकिस्तान के साथ बढ़ी है, देखिए चीन जो है वो अपनी सीमाओं को विस्तार देने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है। कश्मीर के ही ऊपर जो इस तरफ पूर्व वाला हिस्सा है उसको हम अक्साई चीन कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि उस पर चीन ने अपना अधिकार आधिपत्य जताने की कोशिश लगातार की है और वो मानता है कि ये उसका हिस्सा है और वहाँ सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए वो जो मैं तो कहूँ कि भारत माँ के सिर का जो मुकुट है वो खंडित सा इसलिए नजर आता है क्योंकि उस पर एक तरफ चीन अपनी आँख गड़ाकर कब्जा जमाए बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कब्जा जमाए रखा है। और चीन की जो बढ़ती हरकतें हैं जिसमें उसने एक तो काठमांडू कोडारी लहसा मार्ग भी बनाया है, दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर लगातार सड़कें और सुरंगों का जाल बिछाने की कोशिश की है, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि चीन की नीतियों को हम समझते हैं, पाकिस्तान अब तक अमेरिका की गोद में खेलता रहा, लेकिन जब आतंकवाद का दंश सहने के बाद अमेरिका ने भी कुछ हद तक पाकिस्तान को फटकार लगाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान चीन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान दरअसल एक राष्ट्र के रूप में कभी खुद को न स्थापित कर पाया, न खड़ा कर पाया, वहां पर न तो सरकार पूरी तरह से चल पाती, न सेना पूरी तरह से चल पाती है, तो एक ऐसा मुल्क बन गया है जो बदमाशी का और स्वार्थ साधने का अड्डा बन गया है। कभी अमेरिका वहां स्वार्थ सिद्धि करता है, कभी चीन वहां पर स्वार्थ सिद्धि करता है। एक देखिए कि पाकिस्तान लगातार बात कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानना चाहिए कश्मीर को लेकर। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रस्ताव तो यही था कि सबसे पहले पाकिस्तान अपने कब्जे को वहां से खाली करे, वो जमीन हिंदुस्तान की है, वहां के नागरिक हिंदुस्तान के हैं, वो भारत को वापस लौटाए और उसके आगे सारी बात हो सकती है। अगर वहां पर जनमत संग्रह की बात भी हुई है तो वो जनमत संग्रह उसके बाद होगा जब पाकिस्तान अपनी शर्त को पूरा करे, तो पाकिस्तान अपनी शर्तों को पूरा नहीं करना चाहता, भारत पर वो जबरदस्ती दबाव बनाता है, ये उसका सब राजनीतिक खेल है, षड्यंत्र है। आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, उमर अब्दुल्ला ने यह तक कहा है कि अगर आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हमारे हिंदुस्तान के हिस्से के साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं धारा 370 तक हटाने को तैयार हूं। तो आप पहले ये 2-3 बड़े कदम उठाइए, आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद करवाइए, उसको हिंदुस्तान का हिस्सा जो कि वो जायज तौर पर होना चाहिए है उसको भारत के साथ मिलाइए, उसके बाद आप वहां से धारा 370 हटाइए, वहां से कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ है उनको वहां पर वापस स्थापित कीजिए और फिर आप बात कीजिए ना कि वहां के लोग क्या चाहते हैं।
आप इस तरीके से एक तरफा बातचीत के जरिए कश्मीर के मसले को अपने पक्ष में करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो लगातार नाकामयाब होगी। और इसीलिए ये जो वीडियो सामने आया है ये एक बड़ा पैमाना है ये पता लगाने का कि दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो क्या रहा है, वहां के लोग किस तरह सताए और दबाए जा रहे हैं। और ये केवल वहां की बात नहीं है, गिलगित के क्षेत्र से जो और उसके आसपास के क्षेत्र से ये जो वीडियो आया है, दरअसल ये पूरा पाकिस्तान मुल्क के रूप में इसी तरीके से जीता है, लेकिन खास तौर पर उस हिस्से के लोगों पर जुल्म ज्यादतियां करता है। वहां पर जाकर आने वाले लोगों ने लगातार इस तरह के बयान दिए भी हैं और अब ये नंगा सच सारी दुनिया के सामने है। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगा कि सच्चाई को सामने आने के बाद ये अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर है कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाए, चीन को वहां पर इस तरह की हरकतें करने से रोके, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र में पुरजोर तरीके से कहा है, जिस तरीके से हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी आवाज उठाई है कि कोई भी अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, यदि वो आपकी धरती पर हो तो आप सारी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर देते हैं, आप संयुक्त राष्ट्र के नाम पर हमसे सेना मांगते हैं और शांति सेना भिजवाते हैं, लेकिन जब भारत की जमीन पर आतंकवाद होता है और इस तरह की दहशतगर्दी होती है तब आप क्यों नहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साथ खड़ा होने के लिए इस तरह का आह्वान करते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के जरिए जितनी मजबूती से हम अपनी आवाज को दुनिया के अन्य मुल्कों तक पहुंचा सकें हमें पूरी कोशिश करना चाहिए। जदीप जी, एक चीज और है कि पाकिस्तान की जो हरकतें पीओके में हो रही हैं तो क्या हमारे कश्मीर के जो लोग हैं क्या उससे सबक लेंगे कुछ? निश्चित तौर पर देखिए, हमारे कश्मीर के जो लोग हैं वो सारे वैसे भी शांति पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और वो हिंदुस्तान के साथ लगातार अपने हिंदुस्तान को अपनी सरजमी मानकर उसके साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ कुछ चंद लोगों के साथ हैं जो मौका परस्त हैं, जो अलगाववादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को शह देकर यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद की है। सबक उन लोगों को लेना चाहिए कि वो अपने कुछ निजी स्वार्थों की खातिर किस तरीके के नर्क में बहुत सारे लोगों को ढकेलना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन सबक लेने की जहां तक बात है, वो जो लोग हैं जिनको ये सबक आप देने की बात कर रहे हैं उनको ये सबक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसे की खातिर, रसूख की खातिर, पाकिस्तान के चंद टुकड़े पाने की खातिर इस तरह के नारे भारत के विरोध में बुलंद करते हैं। और अभी हमने जो देखा बीच बीच में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, ये चंद स्वार्थी तत्वों की हरकत जरूर है, लेकिन मोटे तौर पर आप कभी भी किसी भी कश्मीरी से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस तरीके से, बल्कि हमने लगातार कोशिशें की है संवाद बढ़ाने की, वो बेहतर दिशा में जा रही हैं और भी अच्छे से जा सकती हैं। हाँ, यदि किसी के मन में कहीं भी कुछ जरा सा शक या शुबा हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो वो पाकिस्तान के अधिकृत इस कश्मीर के हिस्से के वीडियो फुटेज देखे, और बल्कि उनकी आवाज अब यह बुलंद होना चाहिए कि हमारे भाई बहन हैं जिन पर ज्यादती हो रही है वो भारत का हिस्सा हैं, वो भारत के नागरिक हैं, उनको भारत के साथ रहने का पूरा अधिकार है और वो अधिकार उनको जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। इस वीडियो फुटेज के बाद क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है पीओके में जनमत संग्रह करवाना चाहिए? निश्चित तौर पर उनको पीओके में जनमत संग्रह भी बहुत बात की बात है, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये मांग भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तो ये दबाव बनाना चाहिए कि वो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की वो शर्त मानते हुए उस जगह को, उस जमीन को, उसके चप्पे चप्पे को खाली कर दे, वो जो एक तिहाई हिस्सा कश्मीर का उसने कब्जा किया और कुछ कूटनीतिक और रणनीतिक गलतियों से पाकिस्तान की सेना की पूरी तरह से वापसी उस हिस्से से नहीं हो पाई है, उस भूल को सुधारने का ये वक्त है और सबसे पहले वो उस हिस्से को खाली करे। जनमत संग्रह की बात भी उसके बाद में होगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हिस्सा हिंदुस्तान का है, वहां के नागरिक हिंदुस्तान के हैं, उस पर हमारे जमीन पर नाजायज हक जताने की जो कोशिश पाकिस्तान ने की है उसका पुरजोर विरोध करने का वक्त आया है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और कोई मांग नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान से केवल यह कहना चाहिए कि आपने नागरिकों की आवाज को जो दबाया था वो सामने आई है, इसको देखते हुए, इसको सुनते हुए आप सबसे पहले उस जमीन से हट जाइए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे पीओके में पाकिस्तानी अत्याचार की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।